नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं आ चुका हूं अपने ही गांव में और अपने ही खेत पर। यहां पर आलू की हार्वेस्टिंग मेरे ताऊ जी द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि मुझे तो समय नहीं मिलता है, मेरा काम पत्रकारिता का है, लेकिन ताऊ जी द्वारा आलू की खुदाई कराई जा रही है। और ये जी बीज है ना, मैं आपकी जानकारी लिए बता दूँ, CPRI का 3797 है। पैदावार कैसी है ये आपके सामने है, क्योंकि देखिए गुल्ला गुल्ली का तो नाम ही नहीं है, सिर्फ मोटा ही मोटा आपको आलू नज़र आ रहा होगा। अगर पड़ाव की बात करें तो पड़ाव भी उधर चल के देख लेते हैं। ये मैं आपको आज अपने खेत से पूरी विस्तृत जानकारी साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरा काम पत्रकारिता का है, मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन आज जब खुदाई अपने खेत पे हो रही है तो यहाँ पर देखने के लिए मैं आया हूँ और सडनली आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप देखिए पैदावार, ये देखिए आलू से आलू टकरा रहा है। ये फर्स्ट फाउंडेशन CPRI का 3797 है। और अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ देखिए ये आपके सामने है, और लगभग जी जो है हमारा जो खेत है वो 7 बीघा का खेत है, और 7 बीघा में आप खुद देख लीजिए क्या स्थिति है। देखिए ताऊ जी में मौजूद हैं, ताऊ जी हाँ, कैसी पैदावार? पैदावार ऐसा 70 के करीब लेकर आएगी। 70 के करीब? हाँ। तो बीज तो अच्छा ही लगाए ना? बीज बढ़िया है CPRI का। ताऊ हमने कितने पानी लगाए होंगे? हम 3 पानी लगे। 3 पानी? हाँ। 3 पानी से अच्छा पैदावार? अच्छी पैदावार। और चमक भी दिखाई जरा? हाँ, चमक बहुत बढ़िया है। देखिए किसान साथी, मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा आलू का बीज तैयार करने में देसी खाद, समय समय पर न्यूट्रिएंट्स जो तत्व डलते हैं, उसके बाद में जो भी आपका 0-52-34 और 11-52-22 IPL पॉलीसल्फेट, इन सब का प्रयोग किया है। आप देख लीजिए राउंड टाइप, एकदम गोल टाइप में CPRI का आलू है, और ये नीलामी द्वारा हमारे द्वारा ताऊ ने खरीदा था। क्यों ताऊ? हाँ, मेरठ से लाए। हाँ, मेरठ से। फिलहाल जैसे कि आप आसपास खेतों में देख रहे हैं, उनके अपेक्षा हमारी पैदावार कैसी? अच्छी है पैदावार, ठीक है पैदावार, ठीक है। हाँ, अपना और कितना बीघा खेत है अपने, ज़रा बता दीजिए, क्योंकि जब हम अपने खेत में तो बताने में क्या शर्म है। 50-60 बीघा आलू है। तो आपने जाना, हम जो है 50-60 बीघा के खेत जोता है, और इस समय पर आलू की अच्छी खुदाई चल रही है, पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, क्योंकि समय समय पर हमने इस खेत की देखरेख की है। और हमेशा आपको एक बात बता दूं, 70 कट्टे की यूं ही नहीं निकल रही पैदावार, क्योंकि ये खेत जो है हमारे द्वारा अषाढ़ा छोड़े जाते हैं, सिर्फ एक ही फसल ली जाती है साल में, वो भी आलू की ली जाती है। पैदावार आपके सामने, 3-3, 4-4 फसल लोगे तो फिर पैदावार नहीं निकलेगी, फिर तो आप खोजते रहना अपने आप को। हाँ, एक बार पैदावार अषाढ़ा रखते हैं खेत को, खाली आलू बह जाते हैं, हरी खाद बह देते हैं। तो देखिए भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं, हमारे बड़े भैया हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, और ये देखिए एक हमारे मित्र हैं जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, और दूसरे हमारे मझले भैया हैं, यानी बीच वाले भैया हैं, जो यहाँ पर आलू की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और ये तो कहते हैं ना, सोनू भैया तुम तो आलू नहीं करते, देख लिए सोनू भैया के आलू, सोनू भैया कितना अच्छा आलू करता है, सोनू भैया कभी उल्टी सीधे चीज़ नहीं डालता है, कि मन में आया किसान के डाल दिया, सोनू भैया तो जो है CPRI द्वारा जो बताया जाता है सिर्फ वही चीज़ डालता है। और आप देख लीजिए पड़ाव भी देख लीजिए, पड़ाव कितना अच्छा आ रहा है, शानदार आ रहा है। भैया मौजूद हैं, भैया क्या है? अच्छी पैदावार है इस साल, बहुत ही अच्छा पैदावार, CPRI आलू है 3797, बहुत अच्छी पैदावार है, करीब 70 के आसपास का आंकलन है। कई लोग कहते हैं कि सोनू भैया तुम क्या करते हो, भैया तुम्हारे क्या करते हैं, ताऊ जी तुम्हारे क्या करते हैं, क्या डालते हैं हम बताएं जरा? जो लागत लगती है वही लगा रहे हैं, शुरुआत में DAP है, वो फिर उसके बाद यूरिया और स्प्रे, वही जो न्यूट्रिएंट्स बताए जाते हैं CPRI द्वारा, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। सी देखिए भैया मौजूद हैं, ख़ास भैया हैं मेरे, और मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भैया चैनल पर तो आप बने ही हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि सोनू भैया तुम खेत से नहीं दिखाते हो अपने से, अब बता दीजिए अपने हमारे खेत में क्या नहीं है? तो ये क्या है भाई, ये खेत नहीं दिख रहा है, ट्रैक्टर भी चल रहा है, लेबर भी लग रही है, बताओ आलू भी निकल रहा है, अच्छी पैदावार है, कितना है वो 65-70 का है आराम से, बताओ। हमने मैं बात करूँ, ये तो हमारा CPRI वाला नया वाला है जो हमारा 2-3 साल चल चुका है, वो उसकी पैदावार कैसी है? नहीं, पैदावार तो पिछली बार से ज़्यादा है हमारी, तो चाहे कोई कम बोले, और ये दिख भी रहा है, देखो 8 बीघा का खेत है, कितने ढेर लग चुके हैं। 1 बीघा फालतू है ना, हमने जोत लिया इधर उधर से। हाँ 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 हाँ
वो तो हम करते हैं ना, इधर से मेड़ काट ली उधर से वो कर लिया, तो एक बीघा तो बढ़ी गया, सात से आठ तो हो ही जाता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पैदावार अच्छी है, 70 कट्टा से कम नहीं है, 37-57-50 बीघा। हाँ ये 50 बीघा की लमसम है। बाकी अभी जो खुदाई शुरू की है, क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम पत्रकारिता करते हैं, कब से की? आज ही की है शुरुआत, आज ही, आज ही, आज ही। और इसी 7-8 बीघा से की है, किसी से बोहनी बनाई है, बोहनी बनाई है। पैदावार आपने, मुझे भी हंसी आ रही है कि भाई हम क्या लगाते हैं और किसान जो है कहता है कि सोनू भैया पैदावार दिखाइए अपने खेतों से। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, पैदावार दिख रही है, मेहनत हर कोई किसान पूरी फसल लगाता है। ताऊ जी आप बता दो, अब इन लोगों के क्या कहना चाहेंगे कि सोनू भैया तुम खेत से नहीं दिखाते अपने खेत से, आप बताओ। खेत पर दिखा तो रही है, आप दिखा रहे हैं, पैदावार साफ आ रही है। हाँ पैदावार साफ आ रही है। चलिए देखो बड़े भैया जो हैं हमारे ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब बड़े भैया से ही हम पूछ लेते हैं कि पैदावार का क्या रेशियो है सोनू चौधरी के खेत में, यानी मेरे खेत में खुद देख लीजिए कि हमारे भैया जो हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर में क्या इसी करिए। राम राम भैया। राम राम भैया। भैया पहले तो आप अपना ये बताइए क्या आप हमारे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई हैं, बड़े भैया तो आप ये बता दो हमारे खेत में इस बार पैदावार कैसी निकल रही है? पैदावार अच्छी निकल रही है, बढ़िया काम बढ़िया निकल रही है। अगर ये देखो कौन सा आलू है जो हमने लगाया है? CPRI का है। CPRI का हाइब्रिड कितना है अपना? हाइब्रिड तो थोड़ा सा ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, पर CPRI ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं। इस बार से जो है साइज़ कैसा है अपना? साइज इतना था बढ़िया निकल रहा है, बीज में ही जाता है सारा आलू मेरा। इस समय पर जो अगर बात करूँ मैं, कितने पैकेट का एक बीघा बन जाएगा? लमसम कहाँ था उससे नीचे नहीं रहेगा, 70 तक आ जाएगा बिल्कुल। और हाइब्रिड का अगर हम देखें तो वो कितना आ जाएगा? वो तो हाइब्रिड का तो ऐसा है कहाँ था कि 85-90 पहुँच जाता है, यानी कि खेती की उचित देख रेख जो की है उसका परिणाम हमें मिला है बिल्कुल। ये जो हम लोग हमारा ये दुसाया खेत था या असाड़ा खेत था? नहीं कहाँ था असाड़ा का खेत था, कहाँ था और कोई, कहाँ था और कोई, कुछ नहीं करते हैं खाली आलू ही करते हैं, आलू ही करते हैं बस। धन्यवाद भैया। तो आप खुद देख लीजिए इस समय पर मेरे द्वारा अपने खेत से आपको पूरी वीडियो से रूबरू कराया जा रहा है, और अगर साइज़ देखना है तो देखिए साइज़ भी ये है, देखिए साइज़ देख लीजिए, यह है सोनू चौधरी का खेत, और सोनू चौधरी का खेत से आपको खुद दिखा रहा है ये पैदावार आ रही है। सोनू चौधरी झूठ नहीं बोलता है, 70 की आ रही है तो 70 की ही आ रही है, ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो पैदावार है वो 70 तक की सोनू चौधरी के खेत में निकल रही है। बाकी जो झूठ बोलने वाले हैं वो झूठ बोलते रहें, और मैं एक बात कहता हूँ, अगर हम अपने बच्चों का पेट काट रहे हैं किस लिए काट रहे हैं? इस 4 बीघा की फसल के लिए, लाखों रुपए लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं? ये 4 महीने की फसल के लिए, ताकि हमें इसका अच्छा प्रोडक्शन मिले, इसका हमें अच्छा दाम मिले। क्यों हम जो हैं झूठ बोलें कि कम निकल रहा है? हमारा तो प्रोडक्शन बढ़िया है, हमें कोई शर्म नहीं है, हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा आ रहा है जो कि हमें काफ़ी संतुष्टि दे रहा है। 70 है बढ़िया निकल रहा है, 90-100 की कभी कल्पना नहीं करते हैं, बढ़िया निकल रहा है। हाँ बढ़िया है, 60-65-70-75 तक बढ़िया निकल रहा है। पैदावार तो हमारी कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लाखों रुपए की लागत लगाई है, कम निकालने के लिए नहीं, पैदावार के नुकसान करने बताने के लिए नहीं, हमने जो पैदावार लगाई है किसान साथियों सिर्फ अच्छे प्रोडक्शन के लिए लगाई है, कि हमें अच्छा पैदावार मिले और इसके अच्छे रेट मिले। आज आपने हमारे खेत से देख लिया कि सोनू चौधरी के खेत में कैसी पैदावार है, बाद बाकी जो अगर दिखा रहे हैं वो या तो उनका बीज ही ख़राब होगा या वो बीज बेचते होंगे तो वायरस वाला बीज बेचते होंगे। यहाँ तो सीधा क्लियर कट है, CPRI का ही है, और CPRI का ही लगातार हम करते रहते हैं। फिलहाल अपने गांव से मेरे साथ में आपने वीडियो में पूरी तरीके से जाना कैसी है मेरे गांव में पैदावार और मेरे खेत में। फिलहाल मेरे साथ में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।